हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CGPET मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा का बताने जा रही हूँ, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जैसे कि देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPET 2019 में। अब हम यहाँ मानते हैं R इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब R के साथ हम I की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x ऑफ I प्लस वाई ऑफ जे प्लस जेड ऑफ के इंटू डॉट पे I। ठीक है, तो हम ये जानते हैं क्या कि R डॉट I इज इक्वल्स टू यहाँ पे x होगा। क्यों हुआ, क्योंकि I डॉट I 1 होता है, I डॉट j 0 होता है, I डॉट k इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा आया। अब मैं क्या करूँगी, R डॉट ऑफ i स्क्वायर करूँगी तो मेरा x स्क्वायर आएगा। सिमिलरली R डॉट ऑफ j करती हूँ मैं तो मेरा x ऑफ i y ऑफ j प्लस z ऑफ k इंटू j, तो R डॉट ऑफ j इक्वल टू क्या आया, y। सिमिलरली आर डॉट ऑफ जे स्क्वायर रखूँगी तो क्या होगा, वाई स्क्वायर। ऐसी मैं आर डॉट ऑफ क्या रखती हूँ, के, और उसका स्क्वायर करती हूँ तो के स्क्वायर आता है। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, आर डॉट ऑफ आई स्क्वायर प्लस आर डॉट ऑफ जे स्क्वायर प्लस आर डॉट ऑफ के स्क्वायर को करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। अब हम ये जानते हैं क्या, ये जो वैल्यू है आर की, अगर हम उसको मॉड ऑफ आर स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होता है, आर एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है हमारा, तो हमारे यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो मेरा ऑप्शन क्या आ गया, डी। ठीक है, अब मेरा ये क्वेश्चन CGPET 2019 में आया, जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ए की वैल्यू आई प्लस जे है, बी की वैल्यू जे प्लस के है। ठीक है, हम जानते हैं कि बी के अनुदिश ए का घटक क्या होता है, ये यहाँ पे होता है ए डॉट ऑफ बी, बी अपॉन बी डॉट ऑफ बी, तो मैं क्या लिखूँगी, आई डॉट ऑफ जे जे प्लस के जे प्लस के अपॉन आई प्लस के अपॉन आई प्लस के। ठीक है, क्या नहीं, जे प्लस के जे प्लस के जे प्लस के। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू जे प्लस के है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई प्लस नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा जे प्लस के अपॉन वन प्लस वन, तो क्या लिखूँगी, जे प्लस के अपॉन टू। ये कैसे, क्योंकि हम वेक्टर्स इसको सॉल्व कैसे किए, क्योंकि हम वेक्टर के प्रोडक्ट्स को जानते हैं क्या होता है, तो इससे मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हम मानते हैं पहले, ठीक है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब हम जानते हैं कि आई क्रॉस आई इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, और आई क्रॉस ऑफ के क्या होता है, माइनस जे होता है, और आई क्रॉस ऑफ जे क्या होता है, के होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखी है वैल्यू, यू इज इक्वल्स टू आई क्रॉस ए इंटू आई प्लस जे ए इंटू जे प्लस के ए इंटू के। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आई क्रॉस आई को जानती हूँ क्या, अब सबको मैं पहले सॉल्व करूँगी, तो जब मैं सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, मेरा जे और के लिए मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे मैं लिखूँगी आई इंटू ए की वैल्यू, ये सब जो पुट करना है वहाँ पर, उसके बाद फर्दर पूरा सॉल्व करूँगी ये तीन इक्वेशन को लिख के, तब उस ये वाले को तब क्या आएगा ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, प्लस जे ऑफ एक्स के प्लस माइनस ऑफ जेड आई प्लस, बाजू में लिख रही हूँ, प्लस यहाँ तो
यहाँ पर इसको रब करती हूँ, तो यहाँ लिखूँगी के एक्स माइनस एक्स जे प्लस वाई आई। फर्दर सब को सॉल्व करूँगी तो ऑप्शन आएगा, मतलब बचेगा मेरा ये पूरा सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ से मेरा आंसर आएगा 2a, ठीक है 2a, तो यहाँ आंसर आ रहा है सी। अब मेरा ये जो क्वेश्चन है CGPT 2019 में आया हुआ है, जिसमें मैं a की वैल्यू मान रही हूँ 2i प्लस z माइनस k है, b की वैल्यू मान रही हूँ i माइनस 4j प्लस लैम्डा k है, ठीक है। अब मैं जानती हूँ a डॉट b इक्वल टू जीरो, ठीक है, यदि दो सदिश a तथा b लंबावत हैं तो, लंबावत है तो, ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी क्या, लैम्डा के इक्वल टू ज़ीरो, तो मैं यहाँ से लिखूँगी 2-4 माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -2। तो क्या निकालना था मुझे, ये निकालना था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPT 2018 में, अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, अब मैं इसको लिखूँगी क्या, मेरा पहले तो दिया हुआ है ये, ठीक है, अब मैं इसको पूरा ब्रैकेट खोल रही हूँ, प्लस ज़ीरो प्लस जे इंटू के इंटू आई, ठीक है, ये मैं पूरा खोल के लिख रही हूँ जो आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई जे के प्लस जे के आई, ठीक है, जिसको मैं लिख सकती हूँ आई जे के और फिर आई जे के, और हम जानते हैं कि आई जे के इक्वल टू होता है 1, यहाँ सब जगह पे ऐसा है ना वेक्टर का निशान, ठीक है, तो 1+1 इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो यहाँ पे मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी, ठीक है। अब मेरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, तो इसको मैं क्या लिखूँगी, ये लिखूँगी बी माइनस सी डॉट सी माइनस ए, ठीक है, तो मैं इसको फर्दर पूरा सॉल्व कर रही हूँ, सी माइनस ए क्रॉस बी को लिख रही हूँ, ए है ये डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट सी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे हम जानते हैं बी क्रॉस बी इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद मैं क्या लिख पाती हूँ, ए बी सी माइनस ए बी ए प्लस सी ए सी माइनस सी ए ए, और क्या और है आगे, प्लस बी सी सी माइनस बी सी ए, ये मैंने लिखा। अब सब कुछ कट कुटा के मेरे पास बचेगा ए बी सी और माइनस ऑफ बी सी ए, तो इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, ए बी सी और यहाँ पर ए बी सी तो इक्वल टू ज़ीरो, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब मेरा ये वाला क्वेश्चन मेरा आया हुआ है CGPT 2017 में, जहाँ पर मॉड ऑफ आर जो मैंने बताया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो आर ऑफ आई इज इक्वल्स टू एक्स लेंगे, आर ऑफ जे जो है वो वाई है और आर ऑफ के इक्वल टू जेड है, पहला वाला क्वेश्चन ही है जो सॉल्व किया था, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ना, इसलिए क्वेश्चन को ठीक से करना चाहिए इस वीडियो को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू फिर से आ गया सी, ठीक है, आर स्क्वायर मतलब। अब ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ लग रहा है ना, जहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये तो हमने सॉल्व किया ना, ये भी हम पिछले पे जहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आया था 2017 में, ये रिपीट हुआ है, देख लेंगे पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या है 2i प्लस 5j, और बी इज इक्वल्स टू क्या है 2i माइनस जे, ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए प्लस बी को लिखूँगी तो पूरा सॉल्व करने पर 4i प्लस 4j आएगा। अब ए प्लस बी के अनुदिश इकाई साजिश क्या है,
4i प्लस 4j अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो इसको लिखूंगी 4i प्लस j 4 रूट 2, कटेगा तो i प्लस j अपॉन रूट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या? अब मेरा ये वाला क्वेश्चन भी आया वो टाइप का लग रहा है क्या, चलो फिर भी हम कर लेते हैं। a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब मैं और लिखूँगी तो क्या होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी, तो ये सब कट के आ जाएगा ज़ीरो। ये हम जानते हैं वेक्टर में ऐसा होता है, तो ऑप्शन ए आ गया मेरा। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है CGPET 2016 पे, जहाँ पर मेरी वैल्यू ए बी सी की दी हुई है। ठीक है, ये ए बी सी, तो मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी प्लस सी ये पूरा सॉल्व करके लिखूँगी तो क्या होगा, 2i प्लस 0j प्लस के। ठीक है, मैं क्या करूँगी, a प्लस बी प्लस सी का मॉड लूँगी तो 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा, रूट 5, और रूट 5 बराबर क्या होगा, 2.26, इसको हम अप्रॉक्स ले लेंगे 3। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। अब मेरा ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPET 2016 पे। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या लिखा है, माना ए और ए तथा बी जो है समतालीन साजिश आर है तथा या बी के लंबवत है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा जो इक्वेशन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर इज़ इक्वल्स टू आएगा बी डॉट बी ए माइनस बी डॉट ए बी, तो यहाँ पर आर इज़ इक्वल्स टू आएगा 5a प्लस बी, और r की वैल्यू दी हुई है -3i प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है क्या, यहाँ पे तीन ये दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ क्या कि क्या लिखा हुआ, a डॉट c लिखा हुआ है मेरा 7, तो मैं c को मान लेती हूँ लैम्डा r। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू क्या होगा, -3/2i प्लस 5/2j और प्लस 3k, ये मेरा आ रहा है प्लस 3k। अब ये कैसे आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे c इज इक्वल्स टू लैम्डा r लिया, लैम्डा की वैल्यू 1/2i है। ठीक है, ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।